वेलकम टू यू पी एस सी डेली बाई नमिश एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक नंबर थ्री एटी वन टू थ्री नाइन्टी द मंथ ऑफ मार्च ट्वेंटी सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक 381 गोल्डन लंगूज इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है जो न्यूज़ में रही है और हम इसको थोड़ा जानते हैं सो देर आर देर आर एन एस्टिमेटेड 7396 गोल्डन लंगूज इन इंडिया एज पर द लेटेस्ट सर्वे इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ट्रैक पाई टिकस जी एंड ये नेटिव है इंडियन भूटान के और इसकी जोग्राफिकल रेंज अगर देखें गोल्डन लंगूर की तो असम से असम तक लिमिटेड है इंडियन नेबरिंग भूटान वेयर दे लिव याउंड दे आर देर द एरिया दे इनहेबिट एज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द रीजन सराउंडेड बाई फोर जोग्राफिकल फुट हिल्स ऑफ भूटान मानस रिवर संकोश रिवर वेस्ट एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर इसी रीजन के बीच में ये है, रहते हैं गोल्डन लंगूज ऑक्यूपाई मो ए मोइस्ट एवरग्रीन ट्रॉपिकल डेस्टिडुअस फॉरस्ट एज वेल एज समाइन एरियाज एंड सवानाज इन असाम एंड भूटान दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन ट्रीज लिविंग इन अपर कैनपी ऑफ सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द साउथ एंड द टेम्परेट फॉरस्ट इन द नॉर्थ इनका फूड हैबिटेट बोथ फॉलीवोर्स एंड फ्रूजी वोर्स है और यूनिक फीचर्स जो हैं इनके गोल्डन लंगूज के मोस्ट ईजिली रिकगनाइज कलर कर सकते हैं मतलब इनको रिकोगनाइज किया जाता है इनके फर से आफ्टर विच दे आर नेम्ड क्योंकि गोल्डन होते हैं और इट हैज बीन नोटेड दैट फर्स्ट चेंजेस कलर अकॉर्डिंग टू देर ये एज पर देयर सो बेसिकली क्रॉस राइट मेल्स ऑल्सो टेन टू स्लाइटली बी लार्जर देन फीमेल्स कंजर्वेशन स्टेटस आई यूसी रेड लिस्ट में इनडेंजर्ड है साइट्स अपेंडिक्स वन में आते हैं तो सेकंड है ग्रे वेल ग्रे वेल्स वर रिसेंटली सीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स न्यू इंग्लैंड रीजन पहली बार बहुत देर के बाद इनको देखा गया है एटलांटिक ओशन में तो इट वाज लास्ट सीन इट इन एटलांटिक एटीन सेंचुरी इट इज़ प्राइमरि बॉटम फीडर्स एंड आर दस रिस्ट्रिक्टेड टू शैलो कॉन्टिनेंटल शेल वाटर्स फॉर फीडिंग हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नाउ रेगुलरली फाउंड इन नॉर्थ पैसिफिक एडजेसेंट एरियाज़ जबकि एटलांटिक में वेस्ट कोस्ट ऑफ कैनेडा एंड मैक्सिको बी नियर श्योर वॉट इज अवर ईस्टर्न रशिया एंड जपैन आई यू सी एन रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न है नॉमिनेशन टू राज्य सभा के ऊपर जानते हैं और एज यू नो एज यू कैन सी इन द इमेज सुधा मूर्ति जो कि एक फिलेंथ्रोपिस्ट है और इन्फोसिस फाउंडेशन की भी हेड हैं इनको नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में एंड शी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड राइटर शी इज़ बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाई प्रेजिडेंट ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे करेंटली राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो टू फोर्टी फाइव मेम्बर्स हैं रिप्रेजेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज और आउट ऑफ टू फोर्टी फाइव मेम्बर्स बारह जो होते हैं वो डायरेक्टली नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेजिडेंट के द्वारा इन द फील्ड ऑफ आर्ट लिटरेचर स्पोर्ट्स साइंस एटसेट्रा बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन ईच स्टेट इज एलोकेटेड सर्टन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन अपर हाउस फॉर इंस्टेंस उत्तर प्रदेश थर्टी वन राज्यसभा सीट्स आती हैं उत्तर प्रदेश के गोवा से वन एज पर एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स नाइनटीन सिक्सटी वन नॉमिनेशन टू द राज्यसभा इज एलोकेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नॉमिनेटेड मेम्बर्स ऑफ द राज्यसभा उनके पास सेम पावर्स होती हैं प्रिवेलेज होती हैं इलेक्टेड एम पीज की तरह अलाउंग दैम टू पार्टिसिपेट इन फुली इन हाउस प्रोसीडिंग However, वो वोट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दो दे रिटेन द राइट इन इलेक्शन बात करते हैं सी ए एन एंड रूल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एज यू नो सी ए ट्वेंटी नाइनटीन को नोटिफाई किया गया है और सिटीजनशिप रूल्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर लाए गए हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयरफाइड सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स अंडर सिटीजनशिप अमेन्डमेंट एक्ट विच वॉज इनेक्टेड इन डिसंबर ट्वेंटी इन डिसंबर ट्वेंटी पार्लियमेंट पासिप एक्ट नाइनटीन फाइवेंडेड उसको अमेंड किया गया नाइनटीन फिफ्टी फाइव के एक्ट को इनक्लूड द प्रोविजन फॉर ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप टू माइग्रेंट्स बिलोंगिंग टू हिंदू सिख बुद्धिस्ट चैन पारसी और क्रिश्चन कम्युनिटीज एंटर इंडिया बिफोर डिसंबर थर्टी वन ट्वेंटी फोटी फ्रॉम पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश द लॉ वॉज नोटिफाइड ऑन जनवरी टेन ट्वेंटी ट्वेंटी दंट्री पर्टिक्युलरली इन असाम बट कुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड क्योंकि रूल्स नहीं थे उस टाइम पर नाउ सेंटर हैज़ इम्प्लीमेंटेड सी ए फोर ईयर्स आफ्टर लॉब पास क्योंकि उन्होंने रूल्स अनाउंस किए हैं तो इसमें क्या दिया गया है रूल्स में फॉर्म एट ए विदेविट्स वेरीफाइंग स्टेटमेंट्स एंड करेक्टर ऑफ एप्लीकेंट डेक्लरेशन दट दे हैव एडिकुएट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन एथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्टिंग पेपर्स लाइक पासपोर्ट और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट टू शो समन इन लीनियज सिटीजन ऑफ वन ऑफ द थ्री कंट्रीज

सो कोविंद पैनल रिपोर्ट सो रिसेंटली जो वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर कोविंद पैनल रिपोर्ट सबमिट की गई है फॉर्मर प्रेजिडेंट सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन वन नेशन वन इलेक्शन एंड हाउ विशंस भी अब क्या क्या इसमें दिया गया था इन टू स्टेजेस हाउ द इलेक्शन विल बी सिंक्रनाइज इन टू स्टेजेस पैनल स्टेप वन साइमल्टेनियस पोल्स टू भी हेल्ड फॉर लोकसभा स्टेट असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नीडेड बट नो रेटिफिकेशन बाई स्टेट्स रिक्वायर्ड यह पैनल ने बोला है स्टेप टू है लोल बॉडी पोल्स टू भी हेल्ड विद इन हंड्रेड डेज ऑफ लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन तो लोकल जो बॉडी पोल्स है वो भी हंड्रेड डेज के अंदर अंदर हो जाने चाहिए आफ्टर दिस अमेंडमेंट फॉर दिस विल रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स जो सेकंड प्रोविजन है उसके लिए स्टेप टू के लिए हाउ विल अ कट ऑफ डेट बी फिक्सड एंड वेरिंग असेंबली टेन एडजस्टेड प्रेजिडेंट विल थ्रू अ नोटिफिकेशन ब्रिंग साइमल्टेनियसली

तो एम क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ कंसेंसस डॉक्यूमेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू कीप देयर कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शंस इन चेक एंड टू वर्क विद इन द कोड इट हेल्प्स इलेक्शन कमीशन इन कीपिंग विद द मैंडेट हैज बीन गिवन टू देम अंडर आर्टिकल थ्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको पावर देता है टू सुपरवाइज एंड कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ऑपरेशनल है फ्रॉम द डेट ऑन विच द इलेक्शन शेड्यूल इज अंटिल द द डेट ऑफ रिजल्ट अनाउंसमेंट गवर्नमेंट इसमें कोई टेक एनी फाइनेंशियल ग्रांट्स प्रोमिस कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स और अदर फैसिलिटीज एंड मेक एनी एडहॉक अपॉइंटमेंट्स इन गवर्नमेंट और पब्लिक अंडरटेकिंग ड्यूरिंग टाइम द कोड इज इन फोर्स अब बात करते हैं ई किसान उपज निधि <laughs> तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कमर्स एंड इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल्स इन सब ने लॉन्च किया ई किसान उपज निधि डिजिटल गेटवे है इन न्यू डेली ये डिजिटल गेटवे है ऑफ वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी द इनिशिएटिव विद इट सिंप्लीफाइड डिजिटल प्रोसेस कैन ईज प्रोसीजर ऑफ फार्मर स्टोरेज एट एनी रजिस्टर्ड वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी वेयरहाउस फॉर अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स एट सेवन परसेंट इंटरेस्ट पर है द डिजिटल इंटरवेंशन इज पॉइड टू मिट्टीगेट स्ट्रेस सेल मतलब अगर उनके पास जगह नहीं है स्टोर करने की फार्मर के पास तो वो कोई उसी वेयरहाउस में रखवा सकते हैं ताकि उनको डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े फार्मर्स को आफ्टर पोस्ट मतलब हार्वेस्ट इसीलिए ये ई किसान उपज निधि पोर्टल डिजिटल गेटवे को लॉन्च किया गया है नेक्स्ट है इंडिया एआई मिशन इंडिया एआई मिशन जो है कैबिनेट ने अप्रूव किया है इज अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल लेवल मिशन इंडिया एआई मिशन बजट आउटले इसका दस हजार तीन सौ इकहत्तर करोड़ है और मिशन का एम है टू एस्टैब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव इको सिस्टम कैटलाइजिंग ए इनोवेशन थ्रू स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम्स एंड पार्टनरशिप अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव इको क्रिएट किया जाए ए इनोवेशन के लिए टू बी इंप्लीमेंटेड बाई इंडिया ए इंडिपेंडेंट बिजनेस डिविजन अंडर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन क्या कॉम्पोनेट्स रहेंगे नंबर वन इंडिया ए आई कम्यूट कंप्यूट कैपेसिटी टू बिल्ड हाई एंड स्केलेबल ए आई कम्प्यूटिंग इको सिस्टम सेकेंड कॉम्पोनेंट रहेगा इंडिया ए आई इनोवेशन सेंटर टू अंडरटेक डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडिजिनस लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स तो और भी जो इसके कॉम्पोनेट्स हैं वो है थर्ड इंडिया ए आई डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म इंडिया ए आई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इंडिया ए आई फ्यूचर स्किल्स इंडिया ए आई स्टार्टअप फाइनेंसिंग इंडिया सेफ एंड ट्रस्टेड ए आई ये सेवन मिशन कॉम्पोनेंट्स है इसके बारे में आप जरूर अच्छे से पढ़ लें सो नेक्स्ट इज स्कीम सो so उन्नति के फुल फॉर्म है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मतलब नाम से पता है उत्तर पूर्व मीन्स नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्राइजेशन स्कीम ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मतलब कि नॉर्थ ईस्ट को इंडस्ट्रियली ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्कीम है कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया टेन ईयर्स के लिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया स्कीम विल बी इफेक्टिव जिस दिन डेट ऑफ नोटिफिकेशन से लेके अप टू थर्टी वन थ्री ट्वेंटी थर्टी फोर तक दस साल के लिए है तो थर्टी फोर तक ये रहेगी अलोंग विद एट ईयर्स ऑफ कमिटेड लाइबिलिटीज फाइनेंशियल आउटलेट दस हज़ार करोड़ है फॉर स्कीम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन फॉर टेन ईयर्स एलिजिबल इंडस्ट्रियल यूनिट टू कमेंस दियर प्रोडक्शन और ऑपरेशन विदिन फोर ईयर्स फ्राम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्स कैटेगराइज होंगी इसमें जो है इंडस्ट्रली एडवांस डिस्ट्रिक्ट और जोन भी है इंडस्ट्रीली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट स्कीम एनविसाच अप्रॉक्सिमेटली टू वन जीरो जीरो एप्लीकेशन ताकि इंडस्ट्रीज को मदद की जाए वहाँ नॉर्थ ईस्ट में डेवलप करने के लिए और उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आज का फाइनल टॉपिक थ्री नाइनटी सी सी एम एस प्लेटफॉर्म सो सी सी एम एस फुलफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट इज द क्रिमिनल केस क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म है ये क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम सो इन अ मेजर फिलिप टू इंडियाज फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन ने वर्चुअली इनोग्रेट किया है यूनिक डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑल्सो लॉन्च एन ऐप मोबाइल ऐप संकलन इन न्यू डेली ये एनेबल करेगा एन आई ओ एन आई पर्सनल को टू बेटर कोऑर्डिनेट इन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम केसेस देयर बाय इंप्रूविंग जस्टिस डिलीवरी इसका न्यू स्टैंड स्टैंडलोन वर्जन ऑफ सी सी एम हैज़ बीन डेवलप्ड एंड डिज़ाइंड बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये यूजर फ्रेंडली इजी टू डिप्लॉय कस्टमाइजेबल ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर है टू हेल्प द स्टेट पुलिस फोर्सेस इन देयर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन स्टेट ऑफ द आर्ट सी सॉफ्टवेयर वुड नॉट ओनली ब्रिंग स्टैंडर्डाइजेशन इन टू इन्वेस्टिगेशन बट ऑल्सो एनेबल ईजी एंड स्ट्रीमलाइन कॉम्पाइलेशन ऑफ टेरर रिलेटेड डेटा अक्रॉस द कंट्री सी सी एम एस बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है इंटरनल सिक्योरिटी परसपेक्टिव से और क्राइम मैनेजमेंट क्रिमिनल केस मैनेजमेंट इन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यू शुड क्लोजली लुक इन टू इट इसी के साथ आज के दस टॉपिक यहीं समाप्त होते हैं एंड Do subscribe the channel for more updates and to download this document to do visit our tiny telegram channel UPSC Daily by Nimish. Thank you so much.